हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? IEEE इसका पूरा नाम इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। दरअसल चंडीगढ़ में एक सम्मेलन चल रहा है जिसमें अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दिमाग की आर्टरीज में होने वाली परेशानी का चंद सेकंड में पता लगाया जा सकता है। IEEE बेंगलुरु के एक एस्टर हॉस्पिटल में एक्सपर्ट्स ने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जो अल्ट्रासाउंड के दौरान पल भर में दिमाग की आर्टरीज की प्रेजेंट पोजीशन का पता लगाएगा। एक्सपर्ट ने इसे कंप्यूटर विजन अल्ट्रासाउंड इमेज सेगमेंटेशन का नाम दिया है। इस सॉफ्टवेयर जहां सीरियस पेशेंट को बिना देरी के ट्रीटमेंट मिलेगा, वही नए डॉक्टर्स को जो तकनीक है समझने में आसानी होगी। ये इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर बनाने वाले एस्टर हॉस्पिटल के विशेषज्ञ और सोसाइटी ऑफ न्यूरोसोनोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर लोकेश ने PIG चंडीगढ़ में चल रहे न्यूरोसोनोलॉजी कॉन्फ्रेंस में शनिवार को दी। डॉक्टर लोकेश के मुताबिक एक सॉफ्टवेयर में 1,00,000 लोगों का डाटा शामिल किया गया है। इसकी मदद से मरीज की पोजीशन का एनालिसिस बेहद आसानी से किया जा सकता है। इस तकनीक की मदद से इमरजेंसी में बिना समय गवाए बेड पर ही अल्ट्रासाउंड कर एक्चुअल सिचुएशन का आकलन किया जा सकता है, जिससे मदद में इलाज बहुत अच्छा शुरू किया जा सके, उससे पेशेंट की स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। ठीक ऐसे ही अगर इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल ना हो तो जूनियर डॉक्टर्स भी इसकी मदद से इंस्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। दरअसल आर्टरीज का इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई करने वाली आर्टरीज की भूमिका में मदद दे सके। इसका पता लगाने के लिए कैरोटिड अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये एक सेफ और पेनलेस प्रक्रिया है जो कैरोटिड आर्टरीज के माध्यम से ब्लड फ्लू को जांच करने के लिए साउंड वेव्स का उपयोग करती है। ये आर्टरीज की दीवार की मोटाई का मूल्यांकन करती है और थक्कों की जांच करती है। गर्दन के प्रत्येक साइड में कैरोटिड आर्टरीज होती है। यह आर्टरीज दिल से दिमाग में ब्लड पहुंचाती है। जब आपके वहां कोई इस तरह का परेशानी हो तब ऐसे में अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। जैसे कुछ पेशेंट जो हैं, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, डायबिटीज रहती है और हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है और स्ट्रोक भी रहने के चांसेस रहते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री भी जानना बहुत जरूरी है। कैरोटिड अल्ट्रासाउंड ब्लॉक्ड या श्रिंक कैरोटिड आर्टरीज का पता लगाता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। जब इसे AI से जोड़ दिया जाता है तो बेहतर रिजल्ट सामने आते हैं और मरीज की सिक्योरिटी 90% तक तय हो जाती है। हमारी गर्दन की दोनों साइड में जो नस है, राइट में और लेफ्ट में, जो ब्रेन के आगे के हिस्से में ब्लड सप्लाई करती है, इसे कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। जब कैरोटिड में या नस में ब्लड जम जाए और कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो दो तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ओपन सर्जरी, जो चीरे से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया जा सकता है और फिर वेसल्स को रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसे कहते हैं कैरोटिड एंड आर्टेरेक्टॉमी। अब इतना आसान इलाज हो गया है, थाई से या रिस्ट से हथेली से जाकर एक छोटी सी वायर ले जाकर बैलून से रास्ते को चौड़ा किया जाता है और स्टैंड डाल दिया जाता है जिससे ब्लड सप्लाई आसानी से हो सके। मैं डॉक्टर अकरम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।